हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ तो दोस्तों, मेरे पास किसी दोस्त का कमेंट आया था, मतलब कि व्यूअर का। उन्होंने मुझे बोला है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो भाइयों मैं कोशिश करूँगा अच्छे से बोलने की। और उन्होंने मुझे पहले सजेस्ट किया था कि एडिटिंग पर थोड़ा ध्यान दो, तो जिससे मैंने मेहनत करी थी मेरी एडिटिंग उन्हें पहले से ज़्यादा बेहतर लगी है। अगर दोस्तों आपको मेरी कोई भी बात बेकार लगती हो तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो, क्योंकि मैं उसे सुधार लूँगा, जिससे शायद मैं थोड़ा सा अच्छा बन जाऊँगा। तो लेट्स गो, चलिए शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड आप सभी को याद होगा, जो हमारा वेजिटा था वो कैसे ड्रैगन बॉल लेकर और मामू बनाकर भाग गया था फ्रीजा का, और जो जरबान था वो पहुंच गया था वेजिटा के पीछे पीछे, क्योंकि भाई फ्रीजा ने उसे धमकी तो दी थी जान से मारने की। ऐसे में तो मुझे भी भागना पड़ता, या तो फिर भी जरबान था। फिर आपको गोकू का हाल तो पता ही होगा कि गोकू किस हालत में है। वहाँ की ग्रेविटी मैग्नेटिक फील्ड के कारण 100 टाइम हो गई है, जिससे कि गोकू की बैंड बदी पड़ी है। और बस यहीं से ही इस एपिसोड की फिर से शुरुआत करते हैं। और ये एपिसोड शुरू होता है गोकू की बेकार हालत से, कि गोकू लटक रहा होता है और जैसे गोकू ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उसे उठा नहीं जाता, और अचानक से बिजली सी कड़कने लगती है। और तभी जो डॉक्टर हनी होते हैं यानी बुलमा के पापा, उनके लैपटॉप में भी एक अजीब सा शोक लगता है, और उसे जो पिगी और वो बिल्ली होती है यामचा की, उनके नाम उलोंग और पुल से है, ऐसा ही कुछ है, और वो दोनों बोलते हैं डॉक्टर कुछ करिए ना, गोकू की मदद करिए। तो फिर वो कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, गोकू को खुद ही कुछ करना होगा, और वो अपने हाथ खड़े कर देता है। तभी हमें गोकू वाला सीन दिखाया जाता है, जो गोकू है वो उठने की कोशिश करता है और वहाँ की ग्रेविटी कम हो जाती है, वो उठता है और उस डंडे में जिसमें उसके पैर बंधे हुए हैं उसके पास पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। तभी ग्रेविटी 100 टाइम हो जाती है और उसका हाथ फिसलता हुआ आता है और उसके हाथ में थोड़ा जख्म हो जाता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है, फिर से वो गिर जाता है। तभी जो गोकू होता है वो हिम्मत नहीं आता, वो कामेहामेहा बनाता है और ऊपर मारता है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी कम है कि उसकी कामेहामेहा भी उस डंडे तक नहीं पहुंच पाती, और वो वापस आकर गोकू को लगती है, जिससे गोकू की पैर की हड्डियाँ टूट जाती है और गोकू को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। फिर हमें वापस से प्लैनेट नेमिक का सीन दिखाया जाता है, जो जरबान है। जरबान कहता है एजिटा तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मुझसे लड़ो और मर जाओ, या फिर फ्रीजा को ज्वाइन कर लो और हमारी मदद करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी जो बुलमा होती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है जरबान को देखकर, मतलब ये खुश हो जाती है और वो कहती है हाय 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 थैंक यू हीरो, तुम मुझे बचाने के लिए आए। तो वेजिटा को गुस्सा आता है, वो साइड में मुँह करके बोलता है इडियट। वो तभी जरबान कहता है कि तुम्हें हमारा कौन सा हुक्म मानोगे। तो वेजिटा बोलता है मैं कोई हुक्म नहीं मानने वाला, मैं तो अलग लेवल का बंदा हूँ, मतलब आपको बताया ना अपने वेजिटा के एटीट्यूड का। वेजिटा कहता है क्या तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, जल्दी अपनी असली फॉर्म में आओ और मुझे तुमसे लड़ना है। तो जरबान कहता है कि तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, मैं तुम्हें इसी में संभाल सकता हूँ। वेजिटा कहता है कि तुमने शायद एक सैयन को हल्के में ले लिया, तुम्हें नहीं पता जो सैयन्स होते हैं उनकी ताकत हर बैटल के बाद बढ़ जाती है, जब भी वो फाइट करते हैं उस फाइट के बाद अगली फाइट पे उनकी पावर बढ़ जाती है, और वो ये कहकर लड़ने लगते हैं। तभी किरिलिन मौका देखकर कहता है कि बुलमा चलो भाग, चलिए यही हमारे पास मौका है, और वो बुलमा का हाथ पकड़ता है और भागने लगता है। तभी जो वेजिटा होता है उसके साथ लड़ते लड़ते वो अपना हमला कर देता है किरिलिन के रास्ते में, जिसे किरिलिन रुक जाता है, और वेजिटा कहता है तुम भागने की सोचना भी मत वरना तुम मारे जाओगे। वो तभी जो जरबान होता है वो आकर वेजिटा पर अटैक कर देता है, और वेजिटा उसे कहता है मुक्का मारकर उसे ज़मीन पर गिर देता है और कहता है कि तुम अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट अपनी बेफॉर्म में आ जाओ और मुझसे लड़ना शुरू करो। वो तभी जो जरबान होता है वो अपनी पावर को बाहर निकालता है और वो मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और वेजिटा से लड़ने लगता है। तभी वेजिटा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी स्पीड से उड़कर चला जाता है, यानी कि वो शुरू में हमले डोज करने की कोशिश कर रहा है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जो होता है गोहान का, गोहान स्पीड से उड़ा आ रहा है और वो कहता है कि अरे मुझे 2 पावर लेवल का एहसास हो रहा है, कोई बहुत बड़ा पावर लेवल आपस में टकराई है। तभी अगला सीन दिखाया जाता है जो होता है वेजिटा का, वेजिटा बहुत ही गंदे तरीके से मर रहा होता है हमले जरबान के ऊपर। फिर उससे अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है डॉक्टर हनी का, डॉक्टर हनी कह रहे हैं गोकू करो कुछ करो, और जो हमारा गोकू है फिर उसका सीन दिखाया जाता है गोकू हल्का हिल रहा है, फिर वो हिलते गोल चक्कर काटने लगता है अपनी स्पेसशिप के अंदर और उस डंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और तेज और बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से वो गोल पंखे की तरह घूमने लगता है। वो तभी गोकू अपने हाथ में कामेहामेहा बनाता है और कहता है कायोकैन डबल हमला, और एकदम हमला करता है जिससे उसकी रोड जिस पर उसके पैर बंधे हुए होते हैं वो टूट जाती है और वो साइड में जाकर गिरता है, और गिरता गिरता वो बटन दबा देता है, और जैसे वो बटन दबाता है
वो सोचता है कि ग्रेविटी नॉर्मल हो गई, पर ग्रेविटी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो गोकू होता है, गोकू ज़मीन पर गिरने से 100 टाइम ग्रेविटी में, तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। पहले ही उसे चोट लगी हुई थी और उसकी बोन टूट गई और वो दर्द के मारे तड़प रहा है और पड़ा है। हमें ग्रेविटी दिखाई जाती है जो कि अभी भी 100 टाइम है, और गोकू कहता है कि अरे यार, मैंने सोचा नहीं था कि 100 टाइम ग्रेविटी मुझे इतना ज़्यादा दुख देगी। मैं 5 टाइम ग्रेविटी में ट्रेनिंग कर रहा था, अब मुझे कुछ और सोचना होगा। और ये कहता हुआ गोकू बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद अगला सीन शूट होता है, ये होता है वेजिटा का। वेजिटा हमला कर रहा होता है जरबान के ऊपर, जरबान अपनी खतरनाक वाली फॉर्म में उसके के ऊपर हमला कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। फिर तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। गोकू जो होता है अपना वो रेंगता हुआ जाता है, और रेंगते रेंगते वो बहुत ही मेहनत करके उस पिलर पर चढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि गोकू से सही से खड़ा भी नहीं होया जा रहा और उसके पैर भी बंधे हुए हैं और वो अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आई है। फिर वो रेंगता रेंगता ऊपर पहुंच जाता है और उसका बटन अपनी ठोड़ी से दबा देता है, यानी अपनी थीन से। वो जैसे ही बटन दबाता है फिर से ज़मीन पर गिर जाता है। सोचने लगता है यार कुछ भी नहीं हुआ। फिर तभी थोड़ी देर बाद ग्रेविटी नॉर्मल हो जाती है और गोकू खुश हो जाता है, ये ग्रेविटी नॉर्मल हो गई। और उलोंग और डॉक्टर हनी भी खुश हो जाते हैं और गोकू भी आराम से पड़ा रहता है। उसके बाद सीन शूट होता है वेजिटा का। वेजिटा जमीन पर गिरता है और जमीन पे से कुछ अपने हाथ में उठाता है और फिर ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है। और जरबान बिना कुछ सोचे उसके पीछे उड़ता हुआ चला जाता है। तभी वेजिटा मुस्कुराता है और अपनी मुट्ठी खोलता है और उसकी मुट्ठी में से निकलती है मिट्टी और वो गिर जाती है जरबान की आंख में। तभी वो जरबान के पीछे जाता है और एक खतरनाक हमला करता है और वो जरबान उड़ा हुआ जाता है। तभी उसके सर पे मुक्का मारता है जिससे जरबान पानी में जाकर गिरता है। उसने जरबान का जो पावर लेवल है काफ़ी हद तक उसकी एनर्जी कम कर दी है दो हमले करने के बाद। तभी वेजिटा उसके सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है कि आओ और लड़ो मुझसे। वो कहता है जरबान कि अरे सैयन, तुम्हें पता नहीं मेरी ताकत का। तो वेजिटा कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, जो तुमने पिछली बार मुझे जिंदा छोड़ दिया था, अब तुम पछताओगे। फिर से हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। जो गोकू होता है वो रेंगता रेंगता अपनी कुर्सी पे जाता है जहाँ पर सेंसोबीन की थैली रखी हुई है। वो सेंसोबीन की उस बैग को उठाता है और उसे खोलता है, उसमें से कुछ सेंसोबीन निकलते हैं और एक वो अपने मुँह से खा लेता है। वो ज़मीन पर गिर जाता है और तभी उसके हाथ पैर फिर से फूलने लगते हैं, उसकी हड्डी आपस में जुड़ जाती है और उसका शरीर पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाता है। और वो कहता है कि अरे यार, मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ 1 डिग्री ग्रेविटी पर। और तभी वो जब मारता है वो कहता है बाय बाय और वो कुछ खाना खाने के लिए निकल लेता है। फिर से हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। जो वेजिटा होता है वो उसे बताता है सैयंस के बारे में कि हम सैयंस कितने खतरनाक होते हैं, कैसे हर फाइट के बाद हमारी ताकत बढ़ जाती है और वो अपने सैयन होने पर बहुत ज़्यादा गर्व करता है। तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत गंदे तरीके से हमला करने लगते हैं और वेजिटा एक खतरनाक मुक्का मारता है जरबान के पेट में और अपना मुक्का उसके पेट में पार कर देता है। तभी जरबान कहता है कि वेजिटा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार रहे हो, हम तो टीम है ना, तुम्हें पता है हमने कितने साल साथ काम किया है, हम दोस्त हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वेजिटा कहता है तुम भी यही करने वाले थे। और वेजिटा अपने हाथ में पावर बनाता है और उसके पेट से उसे उड़ा देता है और वो जोर जाकर पानी में गिरता है और मर जाता है। तभी जो वेजिटा होता है वो पीछे देखता है, वो देखता है कि वो दोनों डर रहे हैं, क्रिलिन भी और बुलमा भी। और वो गोहान कहता है कि मैं तुम्हें ये ड्रैगन बॉल नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। तो वेजिटा कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ये ड्रैगन बॉल मुझे दे दो। मैं जानता हूँ जब हमारी पृथ्वी पर फाइट हुई थी तुम इसके हिसाब से अब बहुत ताकतवर हो चुके हो, फिर भी तुम्हारा मुझसे कोई मैच नहीं है। अगर तुम अब भी लड़ना चाहते हो, अगर तुम मुझे ड्रैगन बॉल दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो तभी जो क्रिलिन होता है वो ड्रैगन बॉल चुपचाप वेजिटा के हाथ में दे देता है और वेजिटा और ड्रैगन बॉल को लेकर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। और क्रिलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।